फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कुकिंग विद उज्मा। तो फ्रेंड्स, आज जो मैं रेसिपी लाई हूँ वो है ब्रेड सैंडविच। बड़ा आसानी से बन जाता है। जब आपको कुछ दिल चाहे आपको बनाने के लिए, तो आप इस तरह से बनाएं और खाएं, आसानी से बन जाता है, टेस्टी होता है। तो मैं आपको बता दूँ, मैंने 4 ब्रेड लिए हैं। 4 ब्रेड के बाद मैंने टमाटो सॉस जो था वो स्प्रेड कर दिया है 4 ब्रेड पर। फिर मैंने मोजरेला चीज़ ली है, ये देखिए, और इसको भी स्प्रेड कर दिया है। अब मैं शिमला मिर्च ले रही हूँ, थोड़ी सी बारीक कटी हुई, उसको भी इस तरह से ऐड कर दूँगी। आप देख सकते हैं, खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी होगा। आराम से खाइए, मेहमानों को खिलाइए। और फ्रेंड्स, अगर प्लीज़ मेरी वीडियो आपको अगर पसंद आए तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। देखिए आप, तो फ्रेंड्स देखिए, मैंने इस तरह से बारीक बारीक करके अनियन इसमें स्प्रेड कर दिए। देखिए, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। तो फ्रेंड्स देखिए, ये मैंने स्लाइस ले लिया है टमाटो का, तो अनियन है इसमें, कैप्सिकम है, टमाटो है, चीज़ है, टमाटो सॉस है, तो रेडी है। अब मैं इसको करूँगी बेक। तो बटर ऐड किया है मैंने, देखिए फ्रेंड, इसके ऊपर मैंने एक ब्रेड और रख दी है इस तरह से। देखिए, ऊपर भी इसे बटर डालकर मैंने इसको बंद कर दिया है, चुकी है। मैं देखिए दूसरा डाली हूँ, ये देखिए पेच है, देखिए मेरा, इसमें मैं इस तरह से स्प्रेड वो लगा लूँगी थोड़ा थोड़ा बटर, और उसको बंद कर दूँगी। सैंडविच रेडी हो चुका है। बहुत टेस्टी कुरकुरा। फ्रेंड्स, इसमें मैं इसे बीच में से कट करूंगी अब, और आप इसे चाय से, दूध से, जैसे चाहें उससे खा सकते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, रेडी हो चुके हैं ये भी सैंडविच, टेस्टी होंगे गर्मा गर्म। ये देखिए, रेडी हो चुके हैं मेरा 4 ब्रेड, दे देखिए सैंडविच। देखिए माशाल्लाह, इतने टेस्टी हैं, आप देख सकते हैं, खाने में उससे ज़्यादा टेस्टी होंगे जैसे दिख रहा है। तो आप इस तरह से ज़रूर ट्राई करें। तो देखिए फ्रेंड्स, चीज़ का ये देखिए कितना टेस्टी है, देखकर ही मुंह में पानी आ गया। अब इसे टमाटर सॉस से खाएं और इन्जॉय करें। तो फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। मैं दोबारा कह रही हूँ वंस अगेन कि आप मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। तो इंशाल्लाह एक न्यू रेसिपी के साथ फिर कल हाजिर होंगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।